क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पटना में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों में रोष, अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए पहुंचे डाक बंगला चौराहा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद में हंगामा, बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे। हाजीपुर में रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली विभाग का क्लर्क, निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। नालंदा में ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, जल जमाव की समस्या से सैकड़ों लोग हैं परेशान। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान की हुई शुरुआत, लोगों को किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर पटना से है, जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर रहे हैं, वही शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में विधानसभा तक मार्च कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा जाने वाले हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए डाक बंगला चौराहा पर भी जुट गए हैं। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया, उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा रोड पर ही बैठते हुए प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। वही डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा है। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई, अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकर अभ्यर्थियों में रोष देखने को मिला है। इस दौरान डाक बंगले पर ही जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जैसे ही पुलिस सख्त हुई तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां संचालित राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, किशोर और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से संचालित अभियान की सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। बैठक में कुपोषण और एनीमिया जैसे बीमारियों के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पोषण पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। सिर्फ ICDS जिसमें नोडल विभाग की भूमिका निभाता है और साथ साथ पंचायत, सिविल सर्जन का कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सब की भी काफ़ी भूमिका होती है। तो कन्वर्जेंस को लेकर आज बैठक की गई और इस बैठक में सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई और पोषण का स्तर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विशेष प्रयासों से लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हमारे बच्चे हैं ICDS के अंतर्गत इनरोल्ड बच्चे हैं, उन लोगों को लगातार पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज वैसी सेविकाओं को रोहतास में बालू खनन और बगैर चालान के परिवहन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि अनुमंडल दंडाधिकारी ने अपने दल बल के साथ बगैर चालान के बालू एवं ओवरलोडिंग मामले में 20 ट्रकों को जब्त किया है। ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है।
तो ओवरलोड बालू लदे 20 वाहनों को सील किया गया है और ये कार्रवाई रोहतास में पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ओवरलोड बालू लदे 20 वाहनों को इस दौरान जब्त भी किया गया है। ये खबर हम आपको रोहतास से बता रहे हैं जहां ओवरलोड बालू लदे 20 वाहनों को जब्त किया गया है और ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जहां पर जो भी वाहन खनन करते हुए पाए गए, जो भी वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाए गए, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उन पर यह कार्रवाई की गई है। वही पुलिस ने इस दौरान 20 वाहनों को जब्त भी किया है। में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, दौरान ओवरलोड बालू लदे 20 वाहनों को जब्त किया गया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लगातार ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बालू लदे ट्रकों को जब्त किया है, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उन सभी की चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान तकरीबन 20 वाहन ऐसे पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त भी किया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, रोहतास में पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, दौरान 20 वाहनों को जब्त किया गया है, क्या कुछ था ये पूरा मामला जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की? जी, रोहतास जिले में जो है कि लगातार बालू पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह का खाना पूर्ति किया जा रहा है, क्योंकि चालान पे बिना चालान के जो है कि गाड़ियों को जब्त की जा रही है और छापेमारी की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जब जब्तिंग का जो होता है उस जगह पे जो है अधिकारी इसमें लगाम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है कि बालू का इस तरह का रोकथाम नहीं होता है। आपको बता दें कि कई मंथ बाद और हफ्तों बाद जो है कि एक दिन का इस तरह का अभियान चलता है और जिसके द्वारा कुछ खाना पूर्ति राजस्व पूरा करने के लिए जो है कि अधिकारी करते हैं, लेकिन जबकि आपको बता दें कि ओवरलोडिंग पे सिर्फ ये काम की जाती है, ना कि जो डंपिंग होता है यहाँ से लेके कोयला डिपो तक हर जगह डंपिंग किया जाता है और मार्केट में भी जो लोकल मार्केट है, बाजार है, वहां पे जो है कि डंपिंग। जी मंजीत, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देखते हैं कि जो ओवरलोड वाले वाहन है वो फर्राटा भर रहे हैं, ऐसे में आपने भी बताया कि वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे में उच्च अधिकारियों ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया या क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा? जी, इस तरह का आपको बता दें कि पूर्व में भी बालू में लेकर ही संलिप्त दो अधिकारियों पे यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, जो सरकार बिहार सरकार कार्रवाई की थी, लेकिन जिस तरह का जो है कि बालू पे काम होना चाहिए यहाँ, क्योंकि बाजार में जिस तरह का हजारों और संख्यों में जो है कि ट्रैक्टर और इस तरह का डंपिंग करते हैं लोग, तो उनसे क्यों चालान नहीं मांगा जाता है, इस पे बड़ी सवाल है। क्योंकि यहाँ पे रोहतास जिले में आपको बताते हैं डेहरी में भी बहुत जगह है जो बालू का डंपिंग किया जाता है, उनसे अगर प्रशासन अगर मांग ले चालान और जो भी रॉयल्टी की कागज है, तो बालू का कार्रवाई जो है कि बालू। बिल्कुल, धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बाढ़ में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर ग्रामीणों ने गंदगी को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सफाई होने के बावजूद भी ग्रामीण काफी परेशान है। दरअसल ग्रामीण का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न स्थानों से कचरा उठाया जाता है और हमारे घर के पास ही फेंक दिया जाता है। घर के सामने कचरा फेंके जाने पर घर में गंदगी फैल जाती है, जिसके कारण बच्चों में कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती है। युवक ने कचरे हटाने की अब गुहार भी लगाई है। हमने यहाँ जो कचरा फेंकता है, हमारे बगल में घर है 50-60 मीटर दूरी में, और हम लोग के छोटे छोटे बच्चा है, यहीं पर आना जाना होता है, यहीं रहना होता है, यहीं सोना होता है। तो भारत सरकार ने चलाया है स्वस्थ भारत अभियान सफाई के लिए, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पूरे गांव के कचरा आ करके हमारे दरवाज़ा के आगे फेंक देते हैं। इससे हमारे जितना भी गंदगी या लिफाफा है हवा में उड़ के दरवाज़ा के पास चला जाता है, इससे हमारे बच्चे वगैरह भी बीमार हो गया। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमें इस कचरा को परेशानी से दूर किया जाए और कहीं और व्यवस्था किया जाए।
खबर बाहर से है जहां साइकिल सवार की कुचलकर मौत हो गई। इस हादसे में ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक सामान खरीदकर साइकिल से अपने घर लौट रहा था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। टीएनटी न्यूज पर चला गया। घटना क्या हुआ है? घटना एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किससे मारा है? हाईवा मारा, हाईवा। अच्छा, मृतक का क्या नाम है? बिमलेश। अच्छा, घर कहाँ है? बिमलेश राम। अचुआड़ा घर है। भागलपुर में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। आपको बता दें कि छापेमारी करने गए पुलिस ने महिला के पति से मोबाइल की मांग की, जिस पर पति पत्नी ने कहा कि मेरे पास नहीं है। जिसके बाद पुलिसकर्मी गुस्से में आ गए और महिला के साथ गाली गलौज करने के साथ साथ मुक्के और राइफल की बट से उसकी पिटाई कर दी, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। उनके बुआ चला बस एक बाइक छोड़ के भाग दिया, हम बेहोश हो गए, तभी बेचारी हो गई थी, उठा करके यही है, तब से हम नहीं कुछ जानते। बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है, बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मोतिहारी से सामने आया जहां फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ने लगे, तभी बदमाश भाग निकले, जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। एक बाइक निकला सब, तो हम गाड़ी को क्या गिर गया, उसके बाद मार दिया है। कितना लोग था? बोलो। तीन लोग था सर। आके क्या बोला है लोग? कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट आके बंदूक ही दिखा दिया सर। पैसा वैसा भी लूटने का प्रयास किया तो वहीं तो हमको लग रहा है, सोच रहा है कहीं पैसा लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो हम बड़का बंगला से जा रहे थे हर सीधी। किस लिए? वो बैंक में काम करते हैं, जा रहे थे बैंक। खबर महुआ से है जहां भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट की सूचना के बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के पहुंचते ही एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। आपको बता दें कि मदद के लिए पुलिस की दूसरी गाड़ी पहुंची तो उपद्रवी भाग निकले और सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। किससे भी बात चल रहा था तुम्हारा जमीन का? किससे जमीन का भी बात चल रहा है? पर्दारे हैं। फिर कैसे यहाँ कैसे आया तुम लोग? हम लोग को सर लाए हैं जाके गाड़ी 112 पे हम कॉल किए हैं तो यहाँ से किया है सर, हम लोग को निकाला है। 112 से हेल्प मिला? हाँ, हेल्प मिला है हम लोग को 112 से। क्या कहाँ घर है आपका? महुआ सिंह। महुआ सिंह घर है? 12। कौन मारा आप लोगों? किस चीज से मारा? क्या कारण है मारपीट का? जमीनी विवाद में। हाँ। आपका सर फटा हुआ है तो आपको कौन लेके आया वहाँ से? पुलिस लेके आई है। घर से लेकर आया। भूमि विवाद के कारण मारा हुआ है। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 3-4 लड़का है यहाँ, 2 पर वहाँ जो है से गए तो ग्रामीण जो है से हम लोग को पत्थर पथराव शुरू कर दिया और कुछ आदमी को बंधक, 10-12 आदमी को बंधक बना रखा था, उसको हम लोग घेर लिया किसी तरह पत्थर लगते हुए भी। और इसके बाद जो है से बैठ के दूसरा का गाड़ी को बुलाया 112 नंबर को, ERB 2, उसने आया तब जाके 12-13 आदमी को हमने अपनी गाड़ी में भर के लेके आ गया ERB 3। अपना परिचय दे दी। मेरा नाम है नायक रविंद्र कुमार। तो कुछ आदमी बोल रहा था कि इर्द गिर्द सामान सब लेकर के है, तो हम बल के कारण से उस सब आदमी को हम घर से नहीं निकाले, हम वहाँ पर मुझसे खड़े थे, जब हमारा बल आ गया तब उसके बाद घर से सभी लोग को इलाज के लिए आप। सुपौल में बाइक सवार बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रहा था कि अचानक बस ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। वही घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है और घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही इस मामले में परिजन सरकार से अब मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस को पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है।
एक्सीडेंट बस से ठोकर लगा। अच्छा, जो एक्सीडेंट किया उसका क्या नाम है? जो एक्सीडेंट किया, हाँ, जो डेट किया वो क्या नाम है? कहाँ से आ रहे थे जो एक्सीडेंट हुआ? तो हटिया से आ रहे थे। कौन सा हटिया? गिदरपट्टी हटिया से घर वापस आ रहे थे। कितने लोग सवार थे बाइक पे? दो लोग सवार थे। घर से आ रहे थे कुछ सामान लेकर के, दो आदमी सवार थे बाइक पर, बस से उसको ठोकर लग गई, तो गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बाइक जो है कौन चला रहे थे? बाइक क्या नाम उसका? पीछे बैठे हुए थे जिसकी मृत्यु हुई है। पीछे बैठे हुए। अच्छा, घटना में एक का मौत हुआ है? जी, एक का मौत। बाकी क्या है आपकी पंचायत का? मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया प्रतिनिधि, क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना तो कल शाम में 2 बजे करीब पूर्व वार्ड सदस्य थे जो एक्सपायर के आ रहे थे घर पे हार पे कोई सामान लेकर के, छातापुर से आ रही बस इनको ठोकर मार दिया और स्पॉट पर ही ब्लड गया इन लोगों काफ़ी गया। उसके बाद यहाँ से इनको लेकर भागी छातापुर। कितने आदमी कौन चीज़ आ रहे थे सो बताइए? बाइक से, मोटरसाइकिल। बाइक से क्या आदमी चले? दो आदमी। सहरसा में निश्चय योजना से सड़क बनी हुई थी, जिस पर फिर से जिला परीक्षा सदस्य योजना मद से दोबारा काम करवाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए तत्काल जिला प्रशासन से रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बगल से गुजरने वाले सड़क मार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जिसकी पहले मरम्मत करवानी थी लेकिन उसे नहीं किया जा रहा है, और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि योजना के नाम पर सरकारी राशि का सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इस बात की जानकारी जिला कार्यपालक अभियंता से ली गई तो उन्होंने बताया कि योजना स्थल पर अगर पहले सड़क मार्ग की स्थिति सही है तो जल्द काम बंद करवा दिया जाएगा। फिनिश रोड है, यहाँ पर पानी ले लगता है। अच्छा रोड है? हाँ, अच्छा रोड है, सुरेंद्र शाह के बेचन शर्मा के घर तक। अच्छा रोड है? अच्छा रोड है। फिर भी क्यों बन रहा है? फिर भी जबरदस्ती कल ले हम रोक लगाए कि यहाँ नहीं बन, जहाँ टूटा हुआ है वहाँ बनाइए, यहाँ नहीं बनाइए। बना हुआ रोड को फिर से बनाए? फिर से बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है सरकार का पैसा का। क्या ना रोड पे मात्र 2 इंची 1 इंची, कहीं 2 इंची कहीं 1 इंची करके जो है कर रहे हैं। तो हम रोके तो बोल रहा है कि इसने सुरेंद्र शाह के घर पे से हम अथी दिए हुए हैं कि वहाँ से ही बनेगा। हम बोले आगे टूटल है सड़क, वहाँ पे जाके बनाइए, यहाँ हम नहीं देंगे बनाने के लिए। सड़क पर ये फिर से निर्माण कार्य हो रहा है, ये सड़क अच्छा है? बहुत अच्छा है, इतना कहीं कहने लायक नहीं है, पूरा अच्छा स्लोपिंग भी है। एगो कोई कहता है कि पानी बहने का, आप पानी वहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर नवादा से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताते चले कि जिसमें एक पक्ष से 4 लोग और वहीं दूसरे पक्ष से 6 लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार भूमि बंदोबस्त पर्चा के आधार पर एक पक्ष को दखल कब्जा कराया जा रहा था।
तब से दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। कई बार नोकझोंक के बाद जमकर मारपीट की घटना भी हुई है। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वही पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों पक्ष से एक महिला समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सुपौल में पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। गांव में पक्की सड़क बनाने के लिए इन गांवों के जनप्रतिनिधि कई बार एनआरडीए अधिकारी के पास आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें बारिश का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है। गाँव के जनप्रतिनिधि का कहना है कि स्कूल पढ़ने के लिए गाँव के बच्चे रोजाना आते जाते हैं। कई बार वो इस रास्ते पर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं और स्कूली बच्चों के अलावा इन रास्तों से रोजाना लोगों की आवाजाही भी होती है। कभी नहीं देखे हैं कि साला कुछ भी हुआ इस रास्ते पे। अब जब मुखिया सबको सबको बोलते हैं, बोलता है कि हाँ हो जाएगा। इस गांव से सर कम से कम 4-5 हजार आदमी निकलता है एक ही रास्ता है इस रोड पे जाने के लिए। अच्छा, ये रोड जो सामने वाला रोड जो दिखाई पड़ रहा है ये कौन रोड है सो बताइए तो? ये त्रिवेणी गांव जाओ सिमराही, त्रिवेणी गांव से सिमराही के ये रोड है और ये जो अभी कच्ची सड़क है ये उसी से निकलती है और आपके गांव तक जाती है? हमारे गांव तक जाता है। कितनी लंबाई होगी इसकी? लमसम इसका लंबाई 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर सड़क को सही सलामत बनवा दे। आप लोग का घर कहाँ है? कटखोलवा। अच्छा, कटखोलवा। ये सड़क कहाँ जाती है? ये त्रिवेणी घाट से सिमराही जाता है। हाँ, उसी में से ये निकलती है कच्ची सड़क। कब से ये रोड मतलब नहीं बनाया? कभी से कभी मेरा उम्र तकरीबन 21 साल हुआ। 21 साल के दरमियान में ये रोड जैसे का तैसे ही बना हुआ अभी तक। आप लोग विद्यार्थी हैं क्या? पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो बरसात के सीजन में इस सड़क का क्या स्थिति है सो बताइए। अभी खुद देख लीजिए ना, अभी तो बरसात नहीं है, अभी जाने में इतना मुश्किल है। बरसात में क्या होता है, बरसात में हम लोग को कपड़ा खोल के जाना पड़ता है पैदल। नालंदा में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की। मेन सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया गया और घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर सड़क का जाम हटवाया गया। मौत हुई है और इसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता राशि है सभी उन्हें मुहैया कराया जाएगा और सुरक्षण तक के परिवार को आश्वासन दिया गया है और सड़क भी जाम किया था मुआवजे के लेकर? सड़क जाम नहीं, मुआवजे के लिए हम खुद आए, थाना प्रभारी महोदय खुद थे। हम लोग कोई विशेष ये नहीं किए, हम लोग का मुआवजा जो है सरकारी जो भी मुआवजा है उन्हें मिलेगा। खबर नालंदा से है जहां जल जमाव की समस्या से सैकड़ों लोग परेशान हैं। इन्हीं परेशानियों को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि 2 साल पहले भी जल जमाव की समस्या को लेकर मंत्री और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, जिसके बावजूद जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया गया है। उस कारण में बीमारी फैल रहा है जनता का। आज की करेल हुआ? आज हम डीएम ऑफिस में घेराव करने के लिए यही मांग किए हैं कि हमारा नाला के सुविधा कर सके कि कुल बीमारी से बच सके। कितना लोग दिक्कत हो रहे वहाँ? बहुत कम से कम, इसी में लिखित नहीं है, किसी घर में 4-5 पूरा कम की फैला है। की नाम है तोहर? लगता तो मुखिया के फंड से भी कराया जा सकता था, लेकिन मुखिया के फंड उतना नहीं होता है जिससे वो काम कराया जा सके। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग डीएम साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि इसे जल्द से जल्द उसमें काम कराया जाए ताकि समस्या दूर हो सके। और उस जो पानी का जल जमाव है इतना गंदा है जिससे तरह तरह के टोला में बीमारी फैल रहा है। 10 लड़का अभी बीमार हो चुका है और आगे भी बीमारी का कारण बढ़ता ही जा रहा है।
अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही है। दरअसल अपराधियों को पुलिस का डर भी नहीं है। लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मोतिहारी से, जहां एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फोन रिसीव नहीं किए हैं ड्राइवर साहब, हमारे ड्राइवर साहब अब फोन लगा है, हम रिसीव नहीं किए, तो ड्राइवर साहब फोन कर कह रहे हैं कि सामने थी गोली मार दिल वो जल्दी घर से अब अथी टेकअप पर इनार के नजदीक, तो टेकअप पहुँचे हैं तो इनका दे घर 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 कर रहा था, उनको मोटरसाइकिल पर अपना मोटरसाइकिल पर लाद के रोड पर लिया कर मोतिहारी आए हैं। तो क्या पैसा भी लूटा है? पैसा था कितना? लगभग कितना रुपया? दुकानदारी का आज का दुकानदारी का बिक्री था, वो तो घर जाके गिना था। खबर हाजीपुर से है, जहां एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां बिजली विभाग के क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों निगरानी की टीम ने पकड़ा है। इसके विरुद्ध पहले से ही शिकायत निगरानी विभाग को मिलती रही थी, तब से निगरानी विभाग ने नजर रखनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में निगरानी विभाग ने बिजली विभाग के क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने पैसे की डिमांड करी थी, जो अभिनिर्धारण होता है, रीअसेसमेंट होता है उसके लिए, और उनको आज सुबह करीब 9 बजे वही मंदिर के सामने से ऑफिस के बगल में रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। आज शाम में प्रेस की विज्ञप्ति जो है वो रिलीज की जाएगी, वो आप सबको अभिनंदन। कंप्लेंट क्या था? कंप्लेन था अभी निर्धारण के लिए, उन्होंने पैसे की डिमांड की। कंप्लेन कौन है? प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है बेतिया के दो प्रेमी जोड़ों के लिए, जिन्होंने घर से भागकर शादी रचा ली है और वीडियो के जरिए शादी करने की बात भी सामने रखी है। वीडियो में प्रेमी जोड़े ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों शादी से खुश हैं, और वही युवती ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। वह इस पूरे मामले में लड़की के परिजनों ने युवक पर अपहरण का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जाँच भी कर रही है। घर छोड़कर आए हैं, ये नहीं लेकर आए हैं, और इसके कारण है मेरे मम्मी पापा, हम शादी कर लिए इनसे। पहले बोले थे मम्मी पापा से मेरा शादी करा दो लोग इनसे, तो वो नहीं कराना चाहते थे लोग, हमको मारने का प्लान बनाए थे लोग, इसलिए हम घर छोड़कर भाग आए। और इनके ऊपर, इनके फैमिली वाले के ऊपर झूठा केस किया लोग कि उनका बेटा भगा कर ले गया, मतलब ये भगा कर रहे हैं, तो नहीं, हम खुद आए अपने मन से। मोतिहारी में बीते दिनों व्यवसायी को अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी थी, जिसके विरोध में आज घोड़ा सहन के व्यवसायियों ने बाजार बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वही घटना के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे जाप नेता अभिजीत सिंह ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। और ढाका घोड़ा सहन में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, अगर आप देखिए तो ये तीसरा चौथा मर्डर है। कई दुकानों में पहले भी ताला टूटा है, कई व्यवसायी के ऊपर पहले भी गोली चला, अभी कुछ दिन पहले अमिका सिनेमा के पास भी गोली चला था, रक्सौल में भी गोली चला, कई दुकानें सुनारों की टूटी। तो ऐसी घटनाएं बार बार होना, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़ा सहन का जो व्यवसाय वर्ग है अब वो यहाँ से मोतिहारी चला जाए, सीतामढ़ी चला जाए, क्या यहाँ व्यवसाय करना, व्यवसाय अपना जो है दुकान बंद कर दें? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं?
क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ।